हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 2 और वेरी गुड वीकेंड फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर ऑफ क्लास 7th। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। एज यू नो वी हैव स्टडीड, जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ चुके थे कि यहाँ पर जो गर्ल है वो अपने फादर के साथ कहाँ जाती है, स्ट्रॉबेरीज़ कलेक्ट करने जाती है। तो स्ट्रॉबेरीज जब वो कलेक्ट करने जाती है तो वहाँ पर वो इरीटेट हो रही होती है और उसके फादर उसको क्या करते हैं, परेशान करते हैं, इरीटेट करते हैं मजाक करके। ओके स्टूडेंट्स, सो गर्ल का नाम क्या है? अनुपमा नाम है। क्या नाम है गर्ल का? हर नेम इज़ अनुपमा। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड, आगे हम चलते हैं, आगे की स्टोरी पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। कैन वी स्टार्ट पिकिंग नाउ, शी सेड पुशिंग हिज हैंड अवे। तो अपना हैंड पुश करते हुए उसने कहा, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं अब पिक करना? तो सूनर वी गेट दिस ओवर द बेटर, जितनी जल्दी हम इसको ओवर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, वो हमारे लिए बेटर रहेगा। लेट्स गो सेड हर फादर। तो उसके फादर क्या बोलते हैं? लेट्स गो, चलिए स्टार्ट करते हैं। मूविंग टू द रो ऑफ लो बुशेज विद एन ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक एंथुसियाज्म। तो कैसे करते हैं? चाइल्ड लाइक, बच्चों के जैसा जो एंथुसियाज्म होता है ना, फुल ऑफ जिसको हम बोलते हैं, जिस आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ना, तो बच्चे एंथुसियाज्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और छल कूद करते हुए काम करते हैं ना, उस तरह से उसके फादर भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। शी लुक्ड एट हर फादर एंड शुक हर हेड। अब वो अपने फादर को देखती है और अपना सिर हिलाती है। मोस्ट डेज, अधिकतर दिनों, ही वॉज प्रटी कूल, वो बहुत ज़्यादा कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, अच्छे रहते हैं सबके साथ, मजाक के मूड में रहते हैं। एंड देन वेयर वर डेज व्हेन ही सेड आइडियाज लाइक दीज, डेज ऑन विच ही एक्टेड ऑलमोस्ट लाइक अ चाइल्ड हिमसेल्फ। और कुछ समय वो क्या करते हैं, उनके पास इस तरह के आइडियाज़ आते हैं। किस तरह के? कि चलिए स्ट्रॉबेरीज कलेक्ट करके लाते हैं, हम अपना जैम खुद बनाएंगे, मार्केट से नहीं खरीदेंगे, इस प्रकार के आइडियाज़ भी आते हैं। तो लड़की क्या सोचती है, कभी कभी तो मेरे फादर बहुत अच्छे रहते हैं मेरे साथ, जो मैं बोलती हूँ वही करते हैं, लेकिन कभी कभी इनको क्या हो जाता है, जो इन्हें इस तरह के आइडियाज़ आ जाते हैं, है ना। डेज ऑन विच ऑलमोस्ट लाइक चाइल्ड हिमसेल्फ, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उन दिनों में ये खुद बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं। दे स्टार्टेड पिकिंग द स्ट्रॉबेरीज, वो स्ट्रॉबेरीज पिक करना शुरू कर देते हैं। अनुपमा वॉज डेटरमाइंड नॉट टू एन्जॉय हर सेल्फ। अनुपमा कैसी थी? डेटरमाइंड थी। डेटरमाइंड मतलब अपने वर्क को लेकर कैसी थी, सीरियस थी, सीरियसली होकर अपना काम कर रही थी, वो एन्जॉय नहीं कर रही थी। बट लुकिंग एट हाउ मच फन हर फादर वॉज हैविंग, लेकिन वो अपने फादर को देख रही थी तो उसके फादर बहुत ज़्यादा फन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। शी कुडंट हेल्प हरसेल्फ, वो खुद की मदद भी नहीं कर पा रही थी। द कॉमिकल मैनर इन विच ही टर्न टुवर्ड्स हर वन एवर ही फाउंड अ राइप स्ट्रॉबेरी वोर डाउन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, द कॉमिकल मैनर यानी मजाकिया ढंग से, है ना, मजाक करते ना, कॉमिकल मतलब मजाकिया ढंग से। इन विच ही टर्न टुवर्ड्स, कैसा एक मजाक के तरीके से वो उस स्ट्रॉबेरी को देखते थे जैसे ही उन्हें एक राइप, राइप मतलब होती है बेटा पकी हुई, कैसी पकी हुई स्ट्रॉबेरी, जैसे ही उनको दिख जाती थी तो उसकी तरफ ऐसे बढ़ते थे मजाक करते हुए। रिजोल्व एंड सून शी फाउंड हरसेल्फ लाफिंग एंड चैटिंग विद हिम, और इस तरह से मजाक करते थे कि वो बच्ची थी, वो हंसने लगती थी और उनसे बातें करने लगती थी। स्लोली शी बिगिन टू एन्जॉय हरसेल्फ, और थोड़ी ही देर बाद वो बच्ची भी खुद एंजॉय करने लगी। गोइंग फ्रॉम बुश टू बुश, यानी बुश होता है बेटा प्लांट्स का एक ग्रुप, तो हर एक ग्रुप में जा जाके दे स्टार्टेड हैविंग फन, और फिर उन्होंने मस्ती करना शुरू कर दिया, यानी मजाक करना शुरू कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो अनुपमा ने पूछा, हाउ मैनी आर वी सपोज टू पिक, हम कितनी स्ट्रॉबेरीज पिक करना चाहते हैं, अनुपमा ने पूछा। एज मैनी एज वी कैन, जितना
ज़्यादा हो सके। हर फादर सेड, उसके फादर ने कहा, द सन इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, सूर्य तेज होता जा रहा है, धूप तेज हो रही है, लेट्स फिनिश दिस रो, इस रो को फिनिश करते हैं एंड लीव, और यहाँ से चलते हैं, उसके फादर ने कहा। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने देखा जो अनुपमा थी वो अपने फादर के साथ हर बात पे नाराज़ हो रही थी, यानी हर बात पे उनसे ऐसा बिहेव कर रही थी कि उनसे अनुपमा से वो ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ स्टूडेंट आपने देखा कि वो धीरे धीरे उनके साथ फ्रैंक हो गई और उनसे भी मस्ती मजाक करने लगी, यानी उसका भी मूड ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, नो माई बकेट इजंट इवन हाफ फुल येट, नहीं मेरी बकेट अभी आधी भी नहीं फुल हुई है, आधी भी नहीं भरी है। आई वॉन्ट टू फिल इट ऑन टू, मैं इसको विम तक, विम क्या होता है स्टूडेंट, विम क्या होता है, विम का मतलब होता है किनारा। जैसे ये बाल्टी है तो इसका जो ऊपर वाला ये एज होगी ये विम कहलाएगी। ओके स्टूडेंट, ब्रिम। तो लड़की क्या बोलती है कि जो मेरी बकेट है वो अभी तक किनारे तक भी नहीं भरी है। अनुपमा प्रोटेस्टेड, अनुपमा ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट मतलब अगेंस्ट जाना, किसी चीज़ की कोई बात बोली गई है उसके विरोध में जाना। इंक्रीजिंग द स्पीड एट विच शी हैड बीन प्लकिंग द स्ट्रॉबेरीज, और उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, जिस स्पीड से वो स्ट्रॉबेरीज तोड़ रही थी उस स्पीड को बढ़ाते हुए उसने कहा कि मेरी जो बाल्टी है अभी आधी भी नहीं भरी है और मुझे इसको पूरा ब्रिम तक यानी एज तक भरना है। हर फादर स्माइल्ड, उसके फादर ने स्माइल किया, मुस्कुराए। आई न्यू, मुझे पता है यू वुड कम अराउंड, तुम लगभग पूरा करने वाली हो, मतलब आसपास होगी। व्हाट हैपन टू लव स्ट्रॉबेरीज, अनुपमा आंसर्ड। अनुपमा ने कहा व्हाट, क्या आई हैपन टू लव स्ट्रॉबेरीज, मैं भी, मुझे भी स्ट्रॉबेरीज पसंद हैं, अनुपमा आंसर्ड। अनुपमा ने कहा प्रिटेंडिंग टू मिसअंडरस्टैंड हिम, मतलब उनको मिसअंडरस्टैंड करने का बहाना बनाते हुए, उसे पता था लेकिन फिर भी उनको मिसअंडरस्टैंड कर रही थी। शी हैड एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ द स्ट्रॉबेरी पिकिंग, अब वो क्या कर रही थी कि स्ट्रॉबेरी पिक करने की जो एवरी मिनट, हर पल को वो इन्जॉय कर रही थी, यानी बहुत मज़े के साथ स्ट्रॉबेरीज तोड़ रही थी। एंड शी न्यू, और वो जानती थी ओनली टू वेल दैट हर फादर न्यू दैट टू, तो उसके फादर भी जानते थे कि वो बहुत ही अब खुश है और वो उसको ऐसा करने दे रहे थे। वेल लेट्स मेक इट क्विक, कोई नहीं जल्दी करते हैं, वी हैव टू गेट होम एंड मेक जैम टू, ही सेड। उसके फादर ने कहा कि जल्दी करते हैं, हमें घर भी जाना है और घर जाकर जैम भी बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। दे टुक देयर बकेट्स टू चेकआउट, अब वो अपनी बकेट्स को कहाँ ले गए, चेकआउट। स्टूडेंट, चेकआउट क्या होता है, आपने देखा होगा, आप चाहे स्कूल में जाइए, होटल्स में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ जाते ही आपको जो काउंटर मिलता है जहाँ पर आप लोगों से, या वहाँ पर जो कैशियर है, वहाँ पर जो भी आपका हेल्प करने के लिए बैठे होते हैं हेल्प डेस्क पर, आप उनसे जो बात करते हैं वो कहलाता है चेक इन। और जब वहाँ से वापस आते हुए होटल से या रेस्टोरेंट से या बार से या फील्ड से कहीं मार्केट प्लेस से वापस आते हुए जब आप अपनी बिलिंग कराते हैं वो कहलाता है चेकआउट। तो चेकआउट करने के लिए गए, पेड फॉर देम बाय वेटिंग एंड देन गॉट इनटू द कार, और उन्होंने पेमेंट किया वेट के अकॉर्डिंग, जितना वजन था उसके हिसाब से, और फिर कार में आकर बैठ गए। इट वॉज लेट इन द इवनिंग बाय द टाइम दे रीच टू होम, और शाम में देरी हो गई थी जिस समय वो घर पहुँचे थे तब। दैट आई एम एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब थक जाना, डैड मैं थक गई हूँ, आई नीड टू गो टू बेड, मुझे सोने की जो सोने जाना है, मुझे अभी सोना है। अनुपमा सेड योनिंग, योनिंग मतलब होता है स्टूडेंट्स, योनिंग को हम बोल सकते हैं जमाई लेते हुए, जमाई लेते हैं ना, मतलब जैसे मुंह फाड़ के सांस लेते हैं जब बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है ना, तो उसको बोला गया है योन। इसको हम, इसका दूसरा वर्ड भी हम बोलते हैं गेप, जी ए पी ई। ओके स्टूडेंट, तो गेप करते हुए उसने, जमाई लेते हुए, मुँह फाड़ते हुए बोला कि मेरे को नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है।
लेट्स मेक जैम टुमारो, हम कल जैम बनाएंगे। आई विल हेल्प यू, प्रॉमिस, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मेरा ये प्रॉमिस है। ये कौन बोलता है? वो लड़की बोलती है अपने फादर से। ओके स्वीटी, आई विल फिक्स यू सम डिनर, मैं आपके लिए कुछ खाना लगाऊंगा। यू डिड वेल टुडे, हर फादर सेड, आपने बहुत अच्छा किया आज, उसके फादर ने उससे कहा। उसके फादर ने क्या कहा? मैं आपके लिए डिनर लगाता हूँ और आपने आज बहुत अच्छा किया। और ये बोलकर उसको बोल दिया आप जा सकती हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यह आई मेक अ गुड स्ट्रॉबेरी पिकर, मैंने एक अच्छा स्ट्रॉबेरी पिकर बनाया है। और वॉट एवर दे आर कॉल, और जो भी वो लोग इसको बुलाते हैं। अनुपमा सेड गुड टू नो आई हैव ऑप्शंस, अनुपमा ने कहा कि जानकर अच्छा लगा, मेरे पास भी इसके कई सारे ऑप्शंस हैं। गुड टू नो आई हैव ऑप्शंस, आपको जान के अच्छा लगेगा कि मेरे पास भी इसके कई सारे ऑप्शंस हैं। ओके, हर फादर लाफ्ड एट हर फैमिलियर टोन, फादर उसकी तरफ देख के फैमिलियर टोन में हंसते हैं। कम ऑन हेल्प मी विद डिनर, आओ डिनर में मेरी हेल्प करो, है ना। दे हैड डिनर, उन्होंने रात को खाना खाया। एंड अनुपमा वेंट टू बेड, अनुपमा जाकर सो गई। ऑल्दो रिलक्टेंट टू एडमिट इट, रिलक्टेंट का मतलब स्टूडेंट होता है बिना इच्छा के, आपकी किसी काम को करने की अगर इच्छा नहीं है तो वो गलत है रिलक्टेंट। यहाँ पर अनविलिंग आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है अनविलिंग, तो यही होता है रिलक्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। Although reluctant to admit it, उसकी इच्छा नहीं थी, she had really enjoyed the day, उसने फिर भी दिन को क्या किया, enjoy किया। She was looking forward to spending some more time with her dad, अब वो सोच रही थी कि अपने डैड के साथ और भी टाइम स्पेंड करेगी ऐसे ही। Following day make jam, the following day मतलब अगले दिन, making jam, jam बनाते हुए। Anupama awoke, Anupama जब जागती है, with a start, the next morning, जब सुबह दूसरी सुबह जागती है, and looked at her watch, और वो अपनी घड़ी की तरफ देखती है। उसने क्या देखा? ओ नो शी थॉट, उसने सोचा, आई हैव स्लेप्ट इन, मैं बहुत अच्छी तरह से सोई। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो बेड से तुरंत बाहर निकलती है, रेस्ड टू द किचन, और किचन की तरफ दौड़ती हुई जाती है। द अरोमा ऑफ स्ट्रॉबेरीज, हनी एंड वनीला हिट हर नोस्ट्रिल्स, अरोमा मिस होता है बेटा फ्रेग्रेंस मतलब महक, किसकी? स्ट्रॉबेरीज की, हनी की, वनीला की, उसके नोस्ट्रिल्स में, यानी जो नाक के दोनों नोस्ट्रिल्स होते हैं ना उसमें जाती है। एज शी पुश्ड द डोर ओपन, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, यानी जैसे ही उसने किचन का दरवाज़ा खोला, तो स्ट्रॉबेरीज़ की जो महक थी, हनी की, शहद की जो महक थी, वनीला की जो महक थी, वो उसके नाक में जाती है। हर फादर वॉज पुटिंग स्ट्रॉबेरी जैम इन टू ग्लास जार्स, तो उसके फादर क्या कर रहे थे, स्ट्रॉबेरी जैम को कहाँ रख रहे थे, ग्लास जार, कांच के जार्स में। जार होते हैं बेटा कंटेनर, क्या होते हैं, कंटेनर, है ना, कंटेनर जानते हैं, डब्बे कांच के, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाले, ये सब ग्लास जार्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ डैड यू स्टार्टेड विदाउट मी, डैड आपने मेरे बिना ही स्टार्ट कर दिया, अनुपमा एक्सक्लेम्ड, अनुपमा ने एक्सक्लेम करते हुए कहा, चौंकते हुए कहा। गुड मॉर्निंग सनशाइन, गुड मॉर्निंग सनशाइन, वो इसको सनशाइन भी बोलते हैं, है ना। आई थॉट, मुझे लगा, यू माइट लाइक सम स्ट्रॉबेरी जैम फॉर ब्रेकफास्ट, आपको स्ट्रॉबेरी जैम ब्रेकफास्ट में चाहिए होगा। हर फादर सैड स्माइलिंग वाइल क्लोजिंग द जार ही हैड इन हिज हैंड्स, तो उनके हाथ में जो कंटेनर था उसका ढक्कन बंद करते हुए उसने बोला कि मुझे लगा आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में जैम की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने आपके बिना ही बना दिया। यू मेड जैम विदाउट मी, अनुपमा सेड ट्राइंग टू साउंड अनहैप्पी, और उसने ऐसी आवाज़ निकालते हुए कि जैसे कि वो खुश नहीं है, ऐसी आवाज़ निकालते हुए उसने कहा कि आपने जैम मेरे बिना ही बना दिया। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, शी वॉज ग्लैड टू हैव बीन स्पेयर्ड द एफर्ट, लेकिन जो अंदर से तो वो खुश थी क्योंकि वो स्पेयर्ड मतलब बच गई, किससे बच गई, एफर्ट मतलब कोशिश से, मेहनत से बच गई। एनी वे यू एंड योर, कोई नहीं, आप और आपका MP3 प्लेयर
वुड हार्डली हैव बीन ऑफ दिस ऑफ एनी हेल्प, आप और आपका जो MP3 प्लेयर है वो शायद ही किसी काम के मुश्किल से। हर फादर कॉन्टिन्यू स्टार्टिंग टू पुट इट जर्स अवे, तो अपने जर्स को रखते हुए उन्होंने कहा आप और आपका MP3 जो प्लेयर है वो शायद ही किसी काम के हैं। थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, अनुपमा रिप्लाइड टेकिंग अ स्पूनफुल ऑफ जैम, तो एक चम्मच में जैम भर के लेते हुए उसने कहा हाँ बताने के लिए धन्यवाद, कोई बात नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर फादर लाफ्ड, उसके फादर हंसते हैं। लेट मी पुट दी जार्स अवे एंड आई विल जॉइन यू, मैं इन जार्स को, इन डब्बों को, इन कंटेनर्स को रखता हूँ और फिर मैं आपको ज्वाइन करूँगा। कहाँ? ब्रेकफास्ट में, है ना। शी वॉच्ड हर फादर पुटिंग द जार्स अवे एंड स्माइल, उसने अपने फादर को जार्स रखते हुए, कंटेनर रखते हुए देखा और स्माइल किया। शी थॉट, उसने सोचा दिस वॉजंट अ बैड वीकेंड आफ्टर ऑल, यानी ये वीकेंड भी इतना बुरा नहीं था। इसीलिए स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी चीज़ आपको जब बुरी लगती है और आपको उसे वेरी गुड बोलना हो, तो इसलिए ये फ्रेज यूज किया जाता है वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, सो ये फ्रेज जो है, जो वेरी गुड बोला है, जैसे होता तो ये वेरी है, वेरी को वेरी इसलिए बोल दिया है क्योंकि पहले तो उसको बुरा लग रहा था लेकिन एट लास्ट उसको ये अच्छा लगता है, है ना। तो बैड प्लस वेरी गुड इक्वल्स टू वेरी गुड वीकेंड। ओके फ्रेंड्स, सो द चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, विल बी डूइंग क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इन अनदर वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एट योर होम और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड, आई होप यू गॉट इट वेल एंड कीप स्टडिंग।